हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 के विषय सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को, जिसमें आपके पूर्णांक रहेंगे 70 मार्क्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि किस प्रक्रिया के माध्यम से चुनती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, चुनाव के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो आंसर लिखेंगे 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रांत में रिक्त स्थान समुदाय को अछूता माना जाता है। तो यहाँ माना जाता है बम्बई प्रांत में जो महार होते हैं उन समुदायों को अछूता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारें रिक्त स्थान जवाबदेह और उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ होगा जनता के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी सरकार जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है उसे कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध किस गण से था। आंसर लिखेंगे शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने रिक्त स्थान में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। तो कहाँ प्राप्त किया था, बौद्ध गया जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरों में सामान्यतः कितने मंजिला मकान बन पाए जाते थे। तो यहाँ लिखेंगे 1 या 2 मंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक नगरों में शिल्पकारों ने चीज़ें कहाँ बनाई। तो आंसर लिखेंगे अपने घरों और विशेष कार्यशालाओं दोनों में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, जिसमें आपका 1 से 5 तक के रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें आपको फिल करना है करेक्ट शब्द को। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। थर्ड है, पृथ्वी के सबसे करीब है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। फोर्थ लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। फिफ्थ लिखेंगे, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, वो सूरज के प्रकाश से ही ऊष्मा और प्रकाश दोनों का जो करते हैं। 12th क्वेश्चन है, खाली स्थान भरे। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान भरना है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। सेकेंड लिखेंगे, हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। थर्ड लिखेंगे, जीव मंडल स्थल जल तथा हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। नेक्स्ट लिखेंगे, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। फिफ्थ लिखेंगे, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। 13th क्वेश्चन है, खाली स्थान भरे, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सेकंड क्वेश्चन है, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से। थर्ड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फोर्थ है, नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है, तो लिखेंगे अरब सागर में, जो कि गुजरात होकर जाती है। 14th क्वेश्चन है, सही या गलत बताओ, हल्लूर में ज्वारा बाजरा मिलता है। तो यहाँ ये सही है, बुज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, तो गलत है। चिरोद कश्मीर का एक पुरास्थल है, ये भी गलत है। खे है जेडाइट जो दाओ जली हैंडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा, तो ये सही है। ठीक है, जो दाओजली हैंडिंग में मिला है जेडाइट, चीन से लाया है। 15 है, निम्नलिखित का सुमेल करो, आपको सुमेल करना है दिए गए शब्दों को, उनके कनेक्ट करना है। तो तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टिन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। 14th क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे, कर वसूलते थे।
राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किसके रूप में भेजा जाता था? तो यहाँ लिखेंगे राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो यहाँ लिखेंगे मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। महत्वपूर्ण जो नदियाँ और जो जल मार्ग होते थे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, मार्ग और नदियों पर। नेक्स्ट है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे? तो यहाँ लिखेंगे प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। 15 क्वेश्चन है, सही या गलत बताएं, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो यहाँ लिखेंगे सही, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, तो ये गलत है। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, गलत। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, गलत। सिक्सटीन है, श्वेन त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। तो आंसर लिखेंगे उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में था। नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे था। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। 17 क्वेश्चन है, मानचित्र और खाका के बीच अंतर बताएं। तो आंसर लिखेंगे मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, जबकि छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि खाका में लंबाई चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए लोग खाका का प्रयोग करते हैं। 18 क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? तो आंसर लिखेंगे भारत एक लोकतंत्र है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र में मुख्य यह विचारधारा होती है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। 19 क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ, महिलाएं क्या क्या काम करती हैं? तो आंसर लिखेंगे पुरुषों द्वारा काम किए गए जो है शिकार करना, घर बनाना, घर की रक्षा करना, महिलाओं द्वारा किए काम खाना बनाना, सब्जी काटना, बर्तन साफ करना, घर साफ करना। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आंसर लिखेंगे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है? तो आंसर लिखेंगे ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। ग्राम पंचायत कई वार्डों में बंटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं। सरपंच पंचायत की मुखिया होता है और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। 22वां प्रश्न है, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताओ। तो जनपद का आर्थिक अर्थ होता है जन बसने की जगह। 2500 साल पहले जब ये जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद के राजा राजमहल में रहते थे। इनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी। इनके पास अपने विशेष किले होते थे, जबकि ऋग्वेद के राजाओं के पास ऐसा कुछ नहीं था। 23वां प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। यहाँ पर उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है।
24वां प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? तो अपने एक अभिलेख में अशोक ने एक बात लिखी हुई थी, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। उस लड़ाई में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसका मुझे बहुत दुख भी हुआ था। चाहे हम उस युद्ध को जीत लेते हैं, लेकिन हम उसमें काफ़ी सगे संबंधी हैं उनको खो देते हैं, जिनसे हमें लगाव होता है। इसलिए अशोक ने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और अपने विचारों को अभिलेख में उतारा, ताकि आने वाले समय में उसकी पीढ़ी भी उसके लिखे गए आदर्शों पर चले। 25वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वाले वन होते हैं, उन्हें सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन कई क्षेत्रों में भूमि स्तर पर सूरज की रोशनी न पहुँच पाने के कारण बड़े वृक्षों के नीचे छोटे पौधे और झाड़ियाँ बहुत कम उग पाती है। इस कारण वन से होते हुए लोग अन्य जानवरों का चलना संभव हो जाता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है कक्षा 6 के विषय सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स विद डिटेल देखे हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके वार्षिक परीक्षा प्रश्न हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड हम अपलोड करते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और आने वाली एग्जाम में आपको सभी को स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो न भी जुड़े हुए हैं, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, और अगर हमारे चैनल की ओर से थोड़ी भी आपको हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।